हेलो फ्रेंड्स, आज के पांच इंग्लिश शब्द हैं क्योर, लार्ज, ग्रेटेस्ट, हैप्पी और अफ्रेड। तो आइए इन पांच इंग्लिश शब्दों को समझते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला इंग्लिश शब्द है क्योर। क्योर का हिंदी में मतलब होता है ठीक होना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो ठीक होना, तो वहां पर आप क्योर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही गॉट क्योर्ड ऑफ द डिजीज क्विकली, यानी वह बीमारी से जल्दी ठीक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू क्योर हर इलनेस, मतलब वह अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए अस्पताल गई। तीसरा एग्जाम्पल, आई गॉट क्योर्ड इन 10 days, यानी मैं 10 दिनों में ठीक हो गया। चौथा एग्जाम्पल, ही क्योर्ड माई इलनेस, मतलब उसने मेरी बीमारी ठीक कर दी। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दू तो, कैंसर कैन बी क्योर्ड इफ डिस्कवर्ड इन टाइम, यानी अगर समय रहते पता चल जाए तो कैंसर ठीक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, क्योर शब्द का दूसरा मतलब होता है इलाज। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो इलाज, तो वहां पर भी क्योर शब्द इस्तेमाल होता है। आइए इसके दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, देयर वॉज नो क्योर टू दिस डिजीज, यानी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल, द डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू फाइंड अ क्योर टू दिस डिजीज, मतलब डॉक्टर इस बीमारी का इलाज खोजने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है लार्ज। लार्ज का हिंदी में मतलब होता है आकार या संख्या में विशाल या बड़ा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो आकार या संख्या में विशाल या बड़ा, तो वहां पर आप लार्ज शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, शी वेंट टू अ लार्ज हॉस्पिटल, यानी वह एक बड़े अस्पताल में गई। दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉज अ लार्ज मैन, मतलब वह एक बड़ा आदमी था। तीसरा एग्जाम्पल, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैड गेदर्ड, यानी बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। तो इस उदाहरण में बड़ा यानी जो संख्या में बड़ा है वो। चौथा एग्जाम्पल, टॉम सॉ अ लार्ज बर्ड, मतलब टॉम ने एक बड़े पक्षी को देखा। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो, ही हैज अ लार्ज फैमिली, यानी उसका परिवार काफी बड़ा है। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का हिंदी में मतलब होता है सबसे बड़ा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सबसे बड़ा, तो वहां पर आप ग्रेटेस्ट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, कॉन्करिंग फियर इज द ग्रेटेस्ट चैलेंज, यानी डर पर विजय पाना सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा एग्जाम्पल, द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैनकाइंड इज लेजीनेस, मतलब मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। तीसरा एग्जाम्पल, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम वी हैव इज पॉवर्टी, यानी हमारी सबसे बड़ी समस्या गरीबी है। चौथा एग्जाम्पल, ही हु ओवरकम्स एंगर सबड्यूस हिज ग्रेटेस्ट एनिमी, मतलब जो अपने क्रोध पर काबू पाता है वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने अधीन कर लेता है। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दू तो, द ग्रेटेस्ट लायर्स टॉक मोस्ट ऑफ देमसेल्व्स, यानी सबसे बड़े झूठे अपने बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं। फ्रेंड्स, ग्रेटेस्ट शब्द का दूसरा मतलब होता है महान। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो महान, तो वहां पर भी ग्रेटेस्ट शब्द लगता है। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, सम पीपल से दैट सचिन इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, यानी कुछ लोगों का कहना है कि सचिन अब तक के सबसे महान क्रिकेटर है। दूसरा एग्जाम्पल, द हॉस्पिटल हैड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉक्टर्स ऑफ द सिटी, मतलब अस्पताल में शहर के कुछ महान चिकित्सक थे। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दू तो, ही इज बिलीव टू बी द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम्स, यानी माना जाता है कि वह अब तक के सबसे महान तेज गेंदबाज है। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है हैप्पी। हैप्पी का हिंदी में मतलब होता है खुश। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो खुश, तो वहां पर आप हैप्पी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, ही वॉज हैप्पी विथ हिज परफॉर्मेंस, यानी वह अपने प्रदर्शन से खुश था। दूसरा एग्जाम्पल, आर यू हैप्पी नाउ, मतलब क्या आप अब खुश हैं? तीसरा एग्जाम्पल, ही वॉज हैप्पी विथ वॉट ही हैड अचीव्ड, यानी उसने जो हासिल किया था उससे वह खुश था। चौथा एग्जाम्पल, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दू तो, टॉम लुक्स वेरी हैप्पी, यानी टॉम बहुत खुश लग रहा है।
फ्रेंड्स, हैप्पी शब्द का दूसरा मतलब होता है प्रसन्न। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो प्रसन्न, तो वहां पर भी हैप्पी शब्द लगता है। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, यानी हमें आपकी सहायता करने में प्रसन्नता होगी। दूसरा एग्जाम्पल, वी विल बी हैप्पी टू एडवाइज यू, मतलब हमें आपको सलाह देने में प्रसन्नता होगी। फ्रेंड्स, हैप्पी शब्द किसी को मुबारक देने या शुभकामनाएं देने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको किसी को मुबारक या शुभकामनाएं देनी हो, तो वहां पर भी हैप्पी शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, हैप्पी बर्थडे, यानी जन्मदिन मुबारक हो। दूसरा एग्जाम्पल, हैप्पी न्यू ईयर, मतलब नव वर्ष की शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं, वो है अफ्रेड। अफ्रेड का हिंदी में मतलब होता है डरना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो डरना, तो वहाँ पर आप अफ्रेड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही वॉज अफ्रेड टू गो नियर हिज टीचर, यानी वह अपने शिक्षक के पास जाने से डरता था। दूसरा एग्जाम्पल, आर यू अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मतलब क्या आप कुत्तों से डरते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, वट आर यू सो अफ्रेड अबाउट, यानी आप किस बारे में इतना डरते हैं। चौथा एग्जाम्पल, टॉम वॉज अफ्रेड, मतलब टॉम डर गया था। और इसका लास्ट एग्जाम्पल दो, डोंट बी अफ्रेड, यानी डरो मत। फ्रेंड्स, अफ्रेड शब्द हम औपचारिक रूप से माफी मांगने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको औपचारिक रूप से माफी मांगना हो, तो वहां पर भी अफ्रेड शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम अफ्रेड आई डिडंट अंडरस्टैंड यू, यानी माफ कीजिए मैं आपको समझ नहीं पाया। तो यहाँ हम सामने वाले से औपचारिक रूप से माफी मांग रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड वी कांट गो ऑन मंडे, मतलब मुझे डर है कि हम सोमवार को नहीं जा सकते। फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज की बारी है। जो पांच शब्द हमने इस वीडियो में देखा, ऊपर विकल्प के तौर पर दिए गए हैं। आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ही लिव्स इन अ डैश हाउस, यानी वह एक डैश घर में रहता है। तो यहाँ शब्द लगेगा लार्ज, ही लिव्स इन अ लार्ज हाउस, वह एक बड़े घर में रहता है। दूसरा क्वेश्चन, इट वॉज अ डैश मिस्टेक दैट ही हैड कमिटेड, मतलब यह डैश गलती थी जो उसने की थी। तो यहाँ शब्द लगेगा greatest, it was the greatest mistake that he had committed, यह सबसे बड़ी गलती थी जो उसने की थी। अगला क्वेश्चन, I have never been this dash before, यानी मैं इससे पहले कभी इतना डैश नहीं हुआ। तो यह शब्द लगेगा happy, I have never been this happy before, मैं इससे पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, this medicine may dash him, मतलब यह दवा उसे डैश कर सकती है। तो यह शब्द लगेगा cure, This medicine may cure him, यह दवा उसे ठीक कर सकती है। अगला क्वेश्चन, He is dash to swim, यानी वह तैरने से डैश है। तो यह शब्द लगेगा Afraid, He is afraid to swim, वह तैरने से डरता है। अगला क्वेश्चन, We saw a dash number of birds flying together, मतलब हमने डैश संख्या में पक्षियों को एक साथ उड़ते देखा। तो यह शब्द लगेगा Large, We saw a large number of birds flying together, हमने बड़ी संख्या में पक्षियों को एक साथ उड़ते देखा। अगला क्वेश्चन, द डैश प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव मच टाइम टू रिएक्ट, यानी डैश समस्या ये है कि हमारे पास प्रतिक्रिया के लिए ज्यादा समय नहीं है। तो यह शब्द लगेगा ग्रेटेस्ट, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव मच टाइम टू रिएक्ट, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास प्रतिक्रिया के लिए ज्यादा समय नहीं है। अगला क्वेश्चन, ही वॉज वेरी डैश टू गेट अ गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, मतलब वह अपने जन्मदिन पर उपहार पाकर बहुत डैश था। तो यह शब्द लगेगा Happy, he was very happy to get a gift on his birthday. वह अपने जन्मदिन पर उपहार पाकर बहुत खुश था। अगला क्वेश्चन, Don't be dash to ask your doubts, यानी अपने संदेह पूछने से डैश मत। तो यह शब्द लगेगा Afraid, don't be afraid to ask your doubts, अपने संदेह पूछने से डरो मत। और आज का लास्ट क्वेश्चन, The doctor dashed his illness in 2 days, मतलब डॉक्टर ने 2 दिनों में उसकी बीमारी डैश कर दी। तो यह शब्द लगेगा Cured, the doctor cured his illness in 2 days. डॉक्टर ने 2 दिनों में उसकी बीमारी ठीक कर दी। फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर के नोट्स खरीदना चाहते हो, तो आप इसे मेरे ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, उसमें नोट्स हिंदी में बनाए हैं। लास्ट में एक्सरसाइज भी रखा हुआ है, और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ आया। आपको इस नोट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
फ्रेंड्स, अगर आपको इस लेक्चर में से कुछ भी मत मिला हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशन या सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।